नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। अगस्त में हुई इनकी सगाई के बाद अब शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। इनकी शादी पारंपरिक और भव्य तरीके से हो रही है। नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला के प्री वेडिंग रिचुअल्स का आगाज हो चुका है। हाल ही में इनकी मंगला स्नानम की रस्म पूरी हुई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए हैं। इन तस्वीरों में कपल अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस खास रस्म को एंजॉय करता दिख रहा है। मंगला स्नानम दक्षिण भारतीय शादियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शादी से पहले दुल्हा दुल्हन के लिए शुभ माना जाता है। इस रस्म में हल्दी लगाई जाती है और हल्दी के पानी से स्नान कराया जाता है। इस रस्म के दौरान परिवारजन दुल्हन को हल्दी लगाते हैं और आम के पत्तों का इस्तेमाल करते हुए हल्दी के पानी से नहाने का प्रचलन है। ये माना जाता है कि यह रस्म दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती है। नागा चैतन्य और शोभिता 4 दिसंबर 2024 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये भव्य शादी हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में पारंपरिक तेलुगु ब्राह्मण रीति रिवाजों के अनुसार होगी। रिपोर्ट के मुताबिक शादी करीब 8 घंटे चलेगी। शोभिता धुलिपाला अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी शादी में हर रस्म को पारंपरिक तरीके से निभाया जा रहा है। नागा चैतन्य और शोभिता की शादी को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। इनकी तस्वीरें और वीडियो देखकर फैंस अब शादी की भव्यता देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप भी अपनी राय और शुभकामनाएं कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि शादी से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।